हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। सोनपुर मेला 2024 का आप लोग वीडियोस देख रहे हैं, यानी व्लॉग देख रहे हैं कि क्या क्या मेले में है और क्या क्या चालू होने वाला है। इस वीडियो में हम आप लोग को जानकारी देने वाले हैं कि क्या क्या मेला में अब तक चालू हो चुका है, क्योंकि मेला स्टार्ट हुए हो चुका है एक हफ्ता, ये दूसरा हफ्ता है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि दूसरे हफ्ते में भी कोई चीज़ बंद रहती है या सब चीज़ खुली हो, सब कुछ खुल जाता है आप लोगों के लिए। ये वीडियो में आप लोग वो सारी जानकारियाँ लेंगे जो मेले में अब तक आप लोगों ने जो भी वीडियो देखा हो उसमें बहुत सारी चीज़ें खुली थी, बहुत सारी चीज़ें बंद हो गई थी। पशु में भी बहुत कम पशु देखने के लिए मिल रहे थे, बट ये दूसरा हफ्ता है मेले का और देखते हैं कि क्या क्या अब तक मेले में चालू हो चुका है और क्या अभी भी चालू होना बाकी है। तो ये पूरा वीडियो मेले का फुल टूर होने वाला है। अगर अभी आप लोग इस टाइम पर अगर मेला आते हैं तो आप लोग को क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, ऐसे मैं बता दूँ कि अब आप लोग मेला आ सकते हैं। बात की जाए थिएटर की तो थिएटर का एक लाइसेंस के कारण थिएटर में देरी होती है, बट आज से लगता है कि थिएटर भी शायद चालू हो जाएगा। आज नहीं तो कल तो पक्का थिएटर हर हाल में चालू होने वाला है। अगर आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि मेला घूमने कब जाएं, तो अब आप लोगों का समय आ गया है घर से निकलने का और सोनपुर मेला 2024 का एक टूर करने का। चलिए हम एक्सप्लोर करते हैं और दिखाते हैं कि क्या क्या है इस बार जो अब तक खुल चुका है मेले में। तो अभी हम सबसे पहले आ चुके हैं वायरल और सेंसेशन थिएटर, जी हाँ, शोभा सम्राट के पास। सबसे ज्यादा लोग इसी थिएटर से उम्मीद लगाते हैं, क्योंकि यहाँ से एक वीडियो एक लड़की का वायरल हो जाने के बाद लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ लगाते हैं, जिसका नाम है काजल। तो वो शोभा सम्राट थिएटर से ही वायरल हुई थी और पिछले कुछ वर्षों से इसी थिएटर में आ रही है। अगर आप शोभा सम्राट थिएटर में आएंगे तो आप लोगों को थिएटर के बाद बीच में काउंटर्स, आप लोगों को ब्रेक टाइम में यहाँ पे आप लोग स्नैक्स यूज कर सकते हैं। उसके बाद कुछ इस तरह से इस बार का है शोभा सम्राट थिएटर, आप लोग देख सकते हैं। जहां देखेंगे आप शोभा सम्राट थिएटर में तो काजल ही काजल का है। तो यानी आज से आज अगर ये थिएटर स्टार्ट होता है तो टाइमिंग होगी 7:30 या 8 बजे से ये थिएटर पूरी तरह से चालू होगा। इसका एक अपडेट भी आएगा आप लोगों को फुल वीडियो थिएटर का। उससे पहले मैं बता दूं कि शोभा सम्राट वायरल गर्ल काजल को जो थिएटर आप कह सकते हैं कि है, इसमें इस बार मुख्य कलाकार होने वाली है प्रियंका चोपड़ा, रानी मुखर्जी, जूही चावला, कैटरीना कैफ, सनी लियोनी, विपाशा बसु, वायरल गर्ल काजल। वायरल गर्ल काजल इस बार दिखा गया और ये सब जो नाम है ये सब यहाँ के डांसर की होती है जो निक नेम पे यहाँ पे आती है रात में नाइट शो करने के लिए। तो कुछ इस तरह से है अभी शोभा सम्राट थिएटर का। अगर टिकट की बात की जाए तो यहाँ पे टिकट का प्राइस तो अभी लगा नहीं है, बट DC का प्राइस इस बार 400 रुपया रखा गया है शोभा सम्राट थिएटर के अंदर। तो इसी लाइन में आप लोगों को 3 और थिएटर देखने के लिए मिलता है, जो कि गुलाब विकास थिएटर है और न्यू इंडिया थिएटर। चलिए वहां पे चलते हैं और देखते हैं कि वहां पर क्या प्राइस होने वाला है इस बार न्यू इंडिया थिएटर में, क्योंकि आज की शाम से ये थिएटर चालू हो जाएगा। तो ये न्यू इंडिया थिएटर, तो इसके प्राइस मैं बता दूं और टाइमिंग सारे थिएटर का सेम ही होता है। अगर प्राइस की बात की जाए तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या प्राइस लगा है इस बार आप लोगों को थिएटर देखने के लिए। तो यहाँ पे VVIP का अगर जो प्राइस लगाया गया है 600 है, VIP का प्राइस 600, सुपर स्पेशलिस्ट का 400, स्पेशल 200 रुपया है। और आगे चलते हैं जहाँ पे गुलाब विकास थिएटर है, वहाँ पे भी आप लोगों को प्राइस दिखा देता। तो अब हम आ गए गुलाब विकास थिएटर के पास। तो कुछ इस तरह से इस बार का गुलाब विकास थिएटर 10 टीम के द्वारा डिकोड किया गया है और यहाँ पे जो जलवा होने वाला है 151 अभिनेत्रियों का देखे जलवा। अभी ना तो यहाँ पे प्राइस लगा है और ना ही टाइमिंग लगी है कि क्या यहाँ पे टाइमिंग होने वाला है। टाइमिंग तो सेम ही होगा, बट यहाँ पे प्राइस भी लगभग सारे थिएटर का सेम ही होता है। बाकी इन 3 थिएटर के अलावा आप लोगों को 3 और थिएटर हैं जो अलग अलग है, पायल, एक नजर, दैगला विकास थिएटर। तो उन सब में थोड़ा प्राइस लो होता है, क्योंकि ये 3 थिएटर की जान होती है, इनकी वायरल लड़कियां जो कि इस बार थिएटर में आप लोगों को देखने के लिए मिलती हैं। आते हैं अंदर, दिखाते हैं कि थिएटर पूरी तरह से तैयार हो गया है। अब आप लोगों को यहाँ पे ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा, क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद ये थिएटर, कुछ ही घंटों के बाद ये थिएटर पहला शो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और कुछ इस तरह से तैयार किया गया है इस बार का गुलाब विकास थिएटर, देख सकते हैं कुछ इस तरह से है। आगे आप लोग को VVIP, उसके बाद VIP और DC और स्पेशल के लिए खास के आप लोग यहाँ से भी थिएटर का मजा को ले सकते हैं। ऐसे में देखना होगा कि थिएटर चालू होता है तो क्या व्यू रहता है यहाँ पे, उसके लिए अभी आप लोग इंतजार करना पड़ेगा। चलते हैं मेले में और एक्सप्लोर करते हैं कि क्या क्या आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। तो देख सकते हैं कि मेले में भीड़ लग चुकी है, लोगों का आना जाना चालू हो गया, क्योंकि मेला लगभग सारा चालू हो गया है। सारी दुकानें जो भी बचा हुआ था सब कुछ बनकर तैयार हो चुका है, अब सब कुछ यहाँ पे सज चुका है। बात की जाए कृषि विभाग की, तो कृषि विभाग भी इस तरह से
पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है। अब आप लोग कृषि विभाग भी आकर घूम सकते हैं। अगर कृषि विभाग का फुल वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप लोगों को कमेंट जरूर करना होगा। और कुछ इस तरह से कृषि विभाग का सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, वो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को इस वीडियोस में। वीडियोस काफी लंबी हो जाती है इसलिए आप लोगों को शॉर्टकट में इसको दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो कुछ इस तरह से सेल्फी पॉइंट बनाया गया इस बार का कृषि बाजार का। तो चलिए आगे चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या क्या मेले में अब तक चालू हो गया है और किस चीज का आप लोगों को इंतजार करना होगा मेरा सोनपुर मेला 2024 में। ये देखिए, ये जो तीन विशाल थिएटर है आप लोग एक ही फ्रेम में देखने के लिए मिलेंगे। एक साइड आप लोग देख रहे होंगे शोभा सवार थिएटर, दूसरी साइड देखेंगे न्यू इंडिया थिएटर। चलिए आगे चलते हैं। कुछ इस तरह से दुकानें यहाँ पे लगकर तैयार हो गई है, जो कि ठंडी के टाइम पे लगने वाला मेला है, तो आप लोग को ठंड के कपड़े भी मेले में देखने के लिए मिलते रहेंगे। और ये देख सकते हैं, अगर ठंड बहुत ज्यादा इस पर पड़ने की संभावना है तो इस आराध्य कंबल भंडार भी आ चुका है आप लोगों के लिए। और यहाँ पे जैकेट्स के लिए भी बहुत सारी दुकानें लग चुकी है। खाने पीने के लिए आइसक्रीम से लेकर गन्ने का जूस तक सब कुछ आप लोगों को इस बार मेला में देखने के लिए मिलेगा हर वीडियोस में हमारे। चलिए अब चलते हैं झूले वाले में, देखते हैं कि झूला चालू हुआ है कि नहीं। तो जी हाँ, आप लोग देख सकते हैं कि झूला अब चालू हो गया है। अब आप लोगों को घर पे नहीं बैठे रहना होगा, अब आप लोगों को मेला में आना होगा मेला को एंजॉय करने के लिए। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सारा झूला भी चालू हो चुका है मेले में। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्रेक डांस चालू हो चुका है और यहाँ पे गेंद फ्रेसबी भी चालू हो चुका है। तो इसका प्राइस 100 रुपया है और ब्रेक डांस का प्राइस 60 रुपया रखाया गया है 6 राउंड के लिए। तो कुछ इस तरह से सोनपुर मेला 2024 का होने वाला है। तो आप लोग विजिट जरूर करें, जल्द से जल्द अब मेले में जान लाएं आप लोग पहुंच कर। अगर आप लोगों को वीडियोस में दिख रहा होगा झूला, तो ये सोनपुर का सबसे ऊंचा झूला होता है। इसे झूलने के लिए काफी ज्यादा भीड़े लगती है। तो इस बार ये भी देखना हो कि इसका क्या प्राइस रखा गया है और क्या है, ये भी चालू हो चुका है आप लोगों के लिए। यहाँ पे ट्रायल चल रहा है आज से पूरी तरह से पूर्ण रूप से। ये सोनपुर मेला 2024 तैयार हो चुका है घूमने के लिए। तो आप लोग, आप इंतजार घड़ी खत्म होती है और मेले में आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। आप हमारे वीडियोस में देख रहे होंगे दोनों तरफ की दुकानें लग चुकी है पूरी तरह से, मेले में भीड़ बन रहा है। तो आप लोग भी अब आकर मेले को एंजॉय करें। तो अब हम आ गए हैं मेले की उस जोन में जहाँ सबसे बड़ा झूला लगता है। जी हाँ, यहीं पे सबसे बड़ा झूला लगता है सोनपुर मेला का। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से व्यू है और जादूगर का भी शो स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग आएंगे तो आप लोगों को जादूगर का शो स्टार्ट हो चुका है। चलिए टिकट का बात करते हैं। ये इस बार जादूगर आरजे का जादू आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। टिकट प्राइस 50 रुपए रखा गया है। तो ये सोनपुर मेला का सबसे ऊंचा झूला जो सबसे ज्यादा ट्रेंड में और वायरल में रहता है। और यहाँ पे भी इस बार आप लोगों को जादूगर शंकर सम्राट झूले के बारे में देखने के लिए मिलेगा। दो जादूगर के यहाँ पे शो लगाया गया है इस बार। और यहाँ पे अभी डिज्नीलैंड पूरी तरह से चालू हो चुका है। तो बस आप लोग ये इंतजार है, देखिए इसका भी ट्रायल चालू हो सका, आप वीडियोज में देख सकते हैं। और अगर आप इस साइड जाएंगे तो इस साइड है सोनपुर मेला का चिड़िया बाजार में हम आ चुके हैं। चिड़िया बाजार की इस साइड आप लोग को मिलता है कुत्ता मार्केट, जो कि बंद था, जो कि पूरी तरह से 18 तारीख से चालू हो सकता है। तो आप लोग वीडियोस में देख सकते हैं कि कुत्ता बाजार भी चालू हो गया। चलते हैं इस साइड और दिखाते हैं कि क्या क्या और जो कुछ भी है सब कुछ चालू हो चुका है कि नहीं। और यही चिड़िया बाजार में आप लोगों को अमरनाथ गुफा देखने के लिए मिलेगा। चलिए देखते हैं कि अमरनाथ गुफा चालू हुआ है कि नहीं, क्योंकि सेल्फी पॉइंट होने वाला है इस बार सोनपुर मेला 2024 का और क्या प्राइस रखा गया है। और ये 3D शो आपके पटना के गंगा मरीन ड्राइव के बाद अब सोनपुर मेला में आ चुका है 2024 में, ये भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अमरनाथ गुफा का जो प्राइस रखा गया है वो प्राइस दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि वो चीजें भी देखने आप लोगों को जरूरी है। यानी टिकट दर जो है इस बार यहाँ पे रखा गया है 50 रुपये प्रति व्यक्ति और 5 वर्ष तक के बच्चों का टिकट नहीं लगेगा। अमरनाथ गुफा दिखा देते हैं आप लोगों को, कितना बेहद सुंदर दिख रहा है। तो ये देख सकते हैं कि ये लोग मेला घूमने के लिए आए हुए हैं और ये कुछ इस तरह से अमरनाथ गुफा बना है सोनपुर मेला 2024 का। तो ये लोग हाय कर रहे हैं, कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग गया से आए हैं। गया जिला, गया जिला, गया जिला।
सोनपुर मेला घूमने के लिए जी हाँ। क्या क्या देखे मेले में आप मेला बहुत कुछ देखने को मिला सिर्फ थिएटर चालू नहीं है अभी थिएटर चालू नहीं है नहीं इंतजार कीजिए आज से थिएटर चालू हो जाएगा 20 तारीख से बोला जा रहा है कि चालू होगा 20 तारीख से जी नहीं आज से थिएटर चालू हो जाएगा आज लाइसेंस अप्रूवल हो जाएगा ये लोग गया जिला से आए हैं देख सकते हैं कि सोनपुर मेला में आप लोगों की भीड़ बढ़ रही है घूमने के लिए दिन ब दिन यहाँ पे लोग आ रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं तो तीन लोग हम यहीं पे मिल गए हैं वैशाली जिला तीन लोग से जानकारी अच्छे से मिल सकती है कि सोनपुर मेला में क्या क्या चालू हुआ है और क्या क्या देखने के लिए मिलेगा क्या नाम हुआ भैया आपका मोहम्मद अलबख्श मोहम्मद अलबख्श जी तो सोनपुर मेला में क्या क्या अब तक चालू हो चुका है ऐसे दुर्गा चालू हो गया लेकिन थिएटर चालू नहीं हुआ लोगों को यहाँ पे आके थिएटर चालू का आपका क्या नाम हुआ हमारा नाम हुआ एमडी राजा एमडी राजा ये लोग भी आए और आपका क्या नाम हुआ मोहम्मद अमन मोहम्मद अमन अमन मोहम्मद अमन ये तीनों लोग यही वैशाली जिला से हैं और इन लोगों का कहना है कि मेला चालू हो चुका है थिएटर का इंतजार है ऐसे में देख रहा हूँ कि थिएटर आज से चालू होता है कि नहीं वो अपडेट आप लोगों को चैनल पे मिल जाएगा अगर 3D शो देखेंगे मेले में तो यहाँ पे प्राइस रखा गया है क्या प्राइस रखा गया 50 रुपीज जी हाँ आइए बात करते कि क्या दिखता है अंदर और यहाँ पे आपको हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट स्लिप मेला भी आप लोगों को देखने के लिए अंदर क्या है ये तो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में फुल डिटेल दिखाऊंगा कि अंदर क्या क्या अभी चलते हैं डिज्नीलैंड मेला में और वहां पे दिखाते हैं कि क्या क्या है और यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक लगना स्टार्ट हो गया क्योंकि पूर्ण रूप से मेला स्टार्ट होती है यहाँ पे ट्रैफिक चालू हो जाती है लोगों की आना जाने से यहाँ पे ट्रैफिक की थोड़ा ज्यादा परेशानियां होने लगती है और ये स्थानीय बकरी बाजार है आप लोग बकरी बाजार का वीडियो हम आ गए डिज्नीलैंड और ये सबसे बड़ा मेला होता है डिज्नीलैंड पुल का जहाँ पे डिज्नीलैंड बहुत बड़े पैमाने पर लगाया जाता है तो सबसे पहले आप लोगों को ब्रेक डांस यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी और यहाँ पे ब्रेक डांस की कीमत 50 रुपए रखी गई है तो यहाँ से शुरू हो जाता है डिज्नीलैंड मेला जी हाँ जो कि सोनपुर ग्राउंड का सबसे बड़ा डिज्नीलैंड मेला होता है तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा ब्रेक डांस तो मेला आप लोगों को बहुत दिख रहा है इस वाले ग्राउंड में बहुत अलग अलग झूले आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे तो ब्रेक डांस का प्राइस जो होने वाला है 50 रुपीज होने वाला है और भी बहुत सारे झूले इस ग्राउंड में आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे तो जी हाँ इस बार यहाँ पे आप भीड़ को अभी ही देख कर पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे क्या माहौल होता है इस डिज्नीलैंड मेले में जो कि सोनपुर का सबसे अलग होता है और इस बार कुछ ये अलग झूला लाया गया है इस वाले ग्राउंड में अगर आप लोग विजिट करेंगे तो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा साथ में पिछली बार सबसे ज्यादा ये वीडियो वायरल हुआ था आप लोगों ने देखा था रेंजर 360 की जिसकी डिमांड बढ़ती जा रही है और इस बार मेले में 2-4 जगह पे आप लोगों को ये चीज देखने के लिए मिलेगा और अभी आज से पूरी तरह से मेला चालू हुआ है और मार्केट में आप भीड़ देख सकते हैं कि किस तरह से भीड़ बढ़ता जा रहा है लोगों का और इस झूले को लेकर इसके साथ इस बार मार्केट में नया आया है ये डेंगी झूला अगर आप लोगों ने मनमास मेला हमारे चैनल पे देखा होगा इस झूले को पहली बार बिहार में वहां लाया गया था उसके बाद इस बार सोनपुर में इसका फर्स्ट टाइम है और इसे देखने के लिए लोग अभी से और झूलने के लिए बहुत ज्यादा बेचैन है इन सब चीजों का प्राइस 100 रुपीज होने वाला है आप लोग देख सकते हैं तो यानी पॉकेट को थोड़ा हल्का कीजिए और सोनपुर मेला के डिज्नीलैंड ग्राउंड पे आकर मेले का एंजॉय लीजिए देख लीजिए ये कितना ऊंचा में झूला जाता है आपको तो बिलीव नहीं होगा पहले 9 वाला झूला बहुत कम हाइट पे जाता था और ये बहुत ज्यादा ऊंची हाइट पे जाता है इसी तरह से रेंजर 360 ये हाई वाला ये तो सबसे यूनिक झूला होता है आप लोगों को पता ही है और ये भी चालू हो गया है आप लोग वीडियोस में देख सकते हैं किस तरह से और सामने अमरनाथ गुफा है इस पिछले साल से इस ग्राउंड में दो चीजें सबसे ज्यादा ट्रेंड में रही रेंजर 360 और ये अमरनाथ गुफा की दूसरी बार यहाँ पे बनाया जा रहा है इस बार सोनपुर मेले में आप लोगों को चारों धाम यात्रा करने के लिए मिलेगा दो धाम एक धाम को मैंने पहले आप लोगों को यात्रा कराई वीडियोस में आगे दूसरी धाम ये है आप लोग देख सकते हैं माता वैष्णो देवी का यहाँ पे पंडाल बनाया गया है और इसका जो टिकट प्राइस रखा गया है क्या व्यू अभी आ रहा है और आने वाले दिनों में तो और भी यहाँ पे बढ़ती जाएगी लोगों के यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं और यहाँ पे आप लोग छोटे झूले भी दिख जाएंगे ऐसा नहीं कि बच्चों के लिए नहीं है बच्चों के लिए भी खास है और इस बार ये शो 3D शो आप लोगों को सोनपुर मेला में बहुत ज्यादा देखने के मिलेगा फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि 3D शो भी आया है सोनपुर मेले में पटना के मरीन ड्राइव के बाद फेमस होने के बाद यहाँ पे 3D शो
बहुत ज्यादा चलने वाला है इस बार सोनपुर मेले में। कुछ इस तरह से है सोनपुर मेले का डिज्नीलैंड मेले का ग्राउंड, तो आप लोग यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। और आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चालू हुआ है और किस चीज का इंतजार रहेगा आप लोगों को। और इसी ग्राउंड में आप लोगों को डिज्नीलैंड मेले ग्राउंड में साइड में आप लोगों को दिख जाएगा फिश टनल जी। और इस बार फिश टनल में कुछ अलग कंटेंट लाया गया, अलग चीज लाया गया आकर्षित करने के लिए। इससे पहले आप लोगों ने पटना में देखा होगा कि ये फिश टनल लगाया गया था जलपरी के साथ फिश टनल भी चालू हो चुका है। आप लोग यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। फिश टनल का वीडियो मैंने पहले आप लोगों को दिखाया, इस बार मैं ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करूंगा। अगर चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इसका प्राइस होने वाला है 100 रुपीज। आप लोग देख सकते हैं 2-4-10 मिनट के अंदर आप लोगों का 100 रुपीज समाप्त हो जाएगा। मगर फिर भी अगर आप नहीं देखे तो आप लोगों को विजिट करना होगा फिश टनल के लिए। और ये डिज्नीलैंड मेले के जस्ट सामने आप लोगों को दिख जाएगा ये केदारनाथ बन रहा है टेम्पल। बस इसको चालू होने में ज्यादा समय नहीं है। अगर आप लोग वीडियोस देखेंगे जब तक ये चालू हो जाएगा। और कुछ इस तरह का यहाँ पे व्यू है, दुकानें बहुत सारी लग चुकी है आप लोगों को खाने पीने के लिए। यहाँ पे बहुत कुछ मिलने वाला है। चिक्का इडली भी आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं सोनपुर मेला में। तो इस तरह का यहाँ पे पॉइंट होने वाला है। तो ये सब जो चीजें थी मैंने दिखाई आप लोगों को, यही सब इस बार सोनपुर मेला 2024 में होने वाला है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। और इसमें मैंने बहुत सी चीज को एक्सप्लेन नहीं किया है। अगली वीडियो में सब पे अलग अलग पार्टिकुलर वीडियोस आएगा चैनल पे। अगर वीडियोस अच्छे लगा होगा तो वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और शॉर्ट को चेक करते रहिएगा क्योंकि अलग अलग शॉर्ट चैनल पे आता रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।